तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में बॉलीवुड के कुछ न्यू अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आईपीएल में पहली बार शाहरुख खान को दिखाई दिया और जब से ये वीडियो लोगों के सामने आया उसका फैन तेजी से वायरल करने लगे। एंड दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के ऊपर जितने सारे आरोप लगाया गया था कि उन लोगों ड्रग्स के साथ जुड़े हुए, अब क्या एनसीबी ये सब आरोप उठा लिया? असल में हुआ क्या, उसके बारे में भी एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। एंड फाइनली कंगना रनौत की फिल्म थलाई भी, जो कोरोना के लिए शूटिंग पॉज हो गया था, अब वो फिल्म रिलेटेड एक अपडेट सामने आया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए और चैनल में पहली बार है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी के पास कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबरें, न्यू गॉसिप्स मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो की सब्सक्राइब दबाना है दबा दो और पूरी फिल्मी दुनिया की हर अपडेट से अपडेटेड रहो। सो लेट्स टॉक अबाउट शाहरुख खान। कल कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में केकेआर फैन लोगों के पर एक बहुत ही बड़ा स्पेशल दिन था। पहले तो केकेआर जीत गया था वो मैच एंड दूसरी शाहरुख खान को दिखाया गया था ग्राउंड में और इसी सीजन में पहली बार शाहरुख खान को दिखाया गया था और उसका फैन काफी सोशल मीडिया में फोटो वीडियो कर दिया वायरल, जहाँ पे दिखाई दिया बॉलीवुड बादशाह उसके फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। इस लड़की की वो लुक था पूरी डॉन स्टाइल का, बहुत बड़े बड़े बाल और उसके ऊपर एक टोपी पहन के आया था और ये लुक शाहरुख खान फैन को बहुत पसंद आया और बहुत दिन बाद शाहरुख खान को ऐसे टीवी के सामने लाइव देखने के बाद एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये बॉलीवुड कंट्रोवर्सी के अंदर जितने सारे नाम जुड़ा था उसके अंदर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण की नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट है। एनसीबी का नजर ये तीनों बॉलीवुड एक्टर के ऊपर नॉर्मली पूछताछ भी किया था। श्रद्धा, दीपिका और सारा ने सरेंडर किया था कि उन्होंने कभी ड्रग लिया भी नहीं था और ये सब चीजें के अंदर कभी गया भी नहीं था, लेकिन एनसीबी ने ऐसा तो नहीं करेगा कि उन लोगों ने बोला और वो केस वहां पे ही खत्म कर देगा। एनसीबी ने वही लेके तदंत कर रहा था, लेकिन इंडियन कुछ न्यूज पोर्टल के थ्रू खबर सामने आया था कि सारा, श्रद्धा और दीपिका हैप्पी होने के लिए एक न्यूज सामने आया था। वहां पे लिखा गया था कि एनसीबी ने इन तीनों को क्लीन चिट दे दिया, कोई भी ड्रग कंट्रोवर्सी के अंदर कभी इन लोगों ने इन्वॉल्व था नहीं। जितने सारे आरोप लगाया गया था इन लोगों के ऊपर सब आरोप उठा लिया एनसीबी ने, लेकिन ये न्यूज जब मुझे पता चला मेरे को थोड़ा शॉक लगा था और उसके बाद मैंने काफी जगह पे सर्च भी किया और उसके बाद एक खबर सामने आया कि एनसीबी ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दिया, ये तीनों को किसी को भी कोई क्लीन चिट दिया नहीं था एनसीबी ने। मीडिया के अंदर जो खबर स्प्रेड हो रहा है ये पूरी एक गलत खबर और जिसके ऊपर एनसीबी ने लीगल एक्शन भी लेने वाले। एनसीबी के पास से एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया था कि इन तीनों के ऊपर अभी भी तदंत चल रहा है। सो ये तीन बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर एनसीबी की नजर अभी भी है। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात करते हैं। कंगना रनौत की मच अवॉइडेड फिल्म थलाई भी लेके लोगों के पास काफी सारे न्यूज था और आज कंगना रनौत ने साउथ में पहुंच गया उस फिल्म का शूटिंग के लिए। एल विजय की डायरेक्शन में बनने वाली थलाई भी मूवी एक मल्टीग्यूअल इंडियन बायोग्राफिकल फिल्म है, जहाँ पे कंगना के अलावा भी भाग्यश्री, मधु, अरविंद समी, प्रकाश राज, जीशु सेनगुप्त भी काम कर रहा है। तो कंगना रनौत ने आज उस शूटिंग फ्लोर में गया और एक छोटा सा पोस्ट उन्होंने शेयर किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आखिरकार 7 महीने बाद मैं शूटिंग पर वापस आ चुकी हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और ये सेल्फी कैसा लग रहा है। पिछले ये 7 महीने कंगना के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग महीने था, अब उन्होंने सेट में भी पहुंच चुका है, अब मान प्राण दे के उन्होंने फिल्म का शूटिंग भी करेगा और बहुत जल्दी हम लोगों को सामने आएगा ये मूवी। लेट्स सी और क्या क्या अपडेट आते हैं मूवी रिलेटेड। अगर ये मूवी रिलेटेड कोई भी खबर सामने आएगा तो मैं जरूर कवर करूंगा। तो दोस्तों मेरे पास बस इतना ही न्यूज था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फिल्मी गाइस, टेक केयर, बाय बाय।